तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ डेरिवेशंस देखा था, कुछ कहा था रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट तो जरूर याद रखना, बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आता है। अब कहा कि सर एक रॉड है और ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इसका डेंसिटी चेंज हो रहा है। डेंसिटी का मतलब यहां पे कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी। बच्चों देखिए कितना आसान सा चीज है, फिजिक्स तो बहुत ही आसान है यार, समर्थ है कि नहीं? यस सर। अब नाम में ही सब कुछ रखा हुआ, लीनियर मतलब यूनिट लाइन पे, यूनिट लेंथ पे कितना मास है, दैट इज इक्वल टू कुछ कह दिया कि लैम्डा नॉट वन प्लस एक्स अपॉन एल, कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो इसको लिया, ये एल लेंथ का रॉड है, एक्स इक्वल टू एल हो जाएगा, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लीनियर मास डेंसिटी है। अगर मैं बात करूं एक्स इक्वल टू जीरो यहां का, तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा नॉट है, और अगर इस पॉइंट की बात करूं तो रूही आके बताना कि इस पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा एंड पॉइंट पे। प्रीति बागुल, टू लैम्डा नॉट, टू लैम्डा नॉट। यज्ञेश तूने टू छोड़ दिया सर, वो टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, टू लैम्डा नॉट, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। मुझे ना इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, मतलब रॉड कैसे मूव कर रहा होगा वो देखना। दिस इज द रॉड, ये एक्सिस है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे वहां पे मास का जरूरत पड़ता था, काइनेटिक एनर्जी लिखना हाफ एम बी स्क्वायर, मोमेंटम लिखना है एम इंटू बी, है ना, फोर्स लिखना है एम इंटू ए, एम आता था, वैसे ही यहाँ पे आई आएगा, तो आई तो हमें चाहिए, इसलिए हम लोग पहले उसके लिए तैयार कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं कि हमें ये परेशान ना करें। आई कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे वो सीख रहे हैं। बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बहुत सारे पार्टिकल से ये रॉड बना हुआ है, कंसिडर एक स्मॉल पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद कितना है, डी आई, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, पार्टिकल है तो डी एम, और इसका डिस्टेंस है सपोज यहां से एक्स, और इसका लेंथ होता है एलिमेंट का डी एक्स, मास इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों ये हुआ इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे सारे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है और उसको ऐड करना है, ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन, सो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, हाउ टू राइट डीएम, लैम्डा इंटू डीएक्स, बहुत बढ़िया, लैम्डा इंटू डीएक्स हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये रॉड हमारा कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर के एल तक, क्लियर ना, कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन नहीं आता है डोंट वरी, कम से कम यहां तक लिखने आ गया, ये हमारा 99% काम हो गया, बाकी तो इजी, इज इट क्लियर? बच्चों एक सवाल हमने दिया था, वो उसका डिस्कशन नहीं हुआ था शायद, एक डिस्क था, एनुलर डिस्क था, ये था आर वन और ये है आर टू, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पार्ट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहा था, इसका डिस्कशन नहीं हुआ था शायद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको बता देता हूं। एक्सिस कौन सा बच्चों, ये
कौन सा एक्सिस? ये इसको दो तरीके, ये अगर हम देखें तो ऐसा डिस्क का ऑलरेडी हमने निकाला था, तो काम वही करना है जैसा डिस्क का किया था वैसा ही कर रहा हूं, बट तुम लोग कंफर्टेबल नहीं थे तो एक बार और डिस्कस कर रहा हूं इसको। लिमिट चेंज होगा और मास डेंसिटी चेंज होगा। तो यहां से आर डिस्टेंस पे एक रिंग ले लो, पहले इस रिंग, ये हो गया हमारा एलिमेंट बच्चों, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो ये जो रिंग बनाया उस रिंग का क्या करना होगा, मास लिखना होगा। मास लिखने के लिए हमें चाहिए क्या, लीनियर मास, यहां पे कौन सा मास डेंसिटी चाहिए, वी नीड सरफेस मास डेंसिटी। और ये सब शायद मैंने बताया था सरफेस मास डेंसिटी कैसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास में एम अपॉन टोटल मास, अगर सपोज एम है कितने एरिया में है ये पाई आर टी स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे ये सेडेड पार्ट का एरिया ऐसे लिखते हैं पाई इनटू आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, गलत है। ये बताऊंगा मैं, लिखते हैं तुम ही लोग लिखोगे फिर से और बहुत भयंकर डांट लगेगी, बहुत बार बता चुका हूं। This area minus this area, ये लिख दिया। अब इस रिंग का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, dA, तो रिंग का सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर और इसका विड्थ जो लेते हैं वो dr। इसको अगर ऐसे कट किया और इसको ओपन कर दो, रोहित पवार नहीं है क्लास में, रोहित पवार है क्या, हाँ सर, इसको कट करते ऐसे एक्सपेंड करते, यही सेम चीज तो पढ़ा रहा हूं। तो डीएम कैसे लिखेंगे, सिग्मा डीएम लिख लिया बच्चों, और अब मुझे चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई। अब रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, रिंग का भी होता है dm into r square, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। ये करोगे और मैं बता रहा हूं, किसी ने किया है क्या ये सॉल्व? यस सर, यस सर। m into फाइनल वैल्यू जो आता है वो बता रहा हूं क्या आता है, r1 square plus r2 square divided by 2, ये आता है सर, m is the mass of this part। So, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था वो बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा था। ठीक है ना, उसमें बेस्ट कुछ सवाल भी किए थे, कुछ सवाल मैं अभी और फिर से उसके एप्लीकेशंस पे लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने सवाल होंगे ढूंढ ढूंढ के बुकलेट से कर देना। मुझे याद है शायद मैंने ये डिस्कस किया था, एक बार रिपीट कर रहा हूं, एकदम सारे बच्चे ध्यान से देखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को। दिस इज अ स्क्वायर प्लेट,
व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जिससे मैं पूछूंगा माइक ऑन करके बताना। आना शुक्ला, ये एक्सिस प्लेट के प्लेन में है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पीयूष चांदवानी, दर्शना, एम ए स्क्वायर बाय 12, एम ए स्क्वायर बाय 12, बहुत बढ़िया। विनीत, गलत आंसर दिया था तूने, मैसेज किया था वो गलत था, साक्षी सही बताइए। इसके बाद एम एस का बाई 12, बहुत बार बता चुका है इसको, ऐसे ऐसे रॉड से कंसीडर करना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रॉड। इस एक्सिस के अबाउट भी वही होगा एम एस का बाई 12, और ये एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट एम एस स्क्वायर बाय 6, एम एस स्क्वायर बाय 6 कैसे बताया था? ये बताया था परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस की ओर हमसे आई एक्स आई वाई और ये आई जेड, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। क्लियर? Yes, sir. किशोर पाटिल, yes, sir. ठीक है। अब बच्चों बताना, एक स्क्वायर प्लेट है, एक और स्क्वायर प्लेट इस पर रख दिया, दो स्क्वायर प्लेट रख दिया, एक का मास m1 और एक का मास m2, साइड लेंथ यही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? m1 प्लस m2 a स्क्वायर बाय 6। तीन प्लेट रख दिया, चार प्लेट रख दिया, पांच प्लेट रख दिया, बहुत सारे प्लेट रख दिया, और ऐसे ऐसे प्लेट रखते चले गए इतना हाइट तक, ए हाइट तक, कितने हाइट तक? ए हाइट तक, और टोटल मास हो गया बच्चों एम। ये बताओ ए हाइट तक रख दिया तो ये कैसा प्लेट रहेगा, मतलब ये क्या सिस्टम बन जाएगा? क्यूब रेडी, क्यूब बन जाएगा, बहुत बढ़िया, तुम लोग देखो इतने ब्रिलियंट हो, क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब का ये एक्सिस के अबाउट है ना, जो फेस के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों? एम स्क्वायर बाय 12, 6। एम स्क्वायर बाय 6 हो रहा था ना, टोटल मास बताओ 12 या 6? एम स्क्वायर बाय 6। कन्विंस हुए क्या? एक्सिस ये है, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट रख दिया, क्यूब बन गई एक्सिस। तो एक्सिस क्या हुआ? सेंटर से पास कर रहा है क्यूब का और फेस के परपेंडिकुलर है ना। अब बच्चों देखो ये क्यूब है, देखो ये क्यूब है ना, चॉकलेट का डब्बा नहीं, क्यूब। इस एक्सिस के अबाउट मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करेगा बच्चों, ऐसे ऐसे। हालांकि मैं कहूं कि ये एक्सिस भी वैसा ही रहेगा, ये एक्सिस भी वैसा ही रहेगा, तो कोई भी एक्सिस, समझा क्या? ये एम ए स्क्वायर बाय 6। डायग्राम में अगर दिखाएं, दिख रहा है ये एक्सिस, समझा क्या ये एक्सिस? यस यस सर।
इसको ले लो या इसको भी ले सकते हो, ये एक्सिस के बाद भी उतना रहेगा, है ना। अच्छा चलो, तो अभी हमने क्या सीख लिया बच्चों, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सीख लिया। चलो फिर से आ जाता है स्क्वायर प्लेट और लिखते जाना है। और किशोर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया, सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज वैलिड नॉट फॉर 3D। ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर आपने तो कहा था 3D के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं है, लेकिन हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया कहाँ है, मैंने तो प्लेट के लिए लगाया था। और एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताया कितना, ma²/6। समझा, यह आ गया रिजल्ट, हो गया। अब एक प्लेट रखा, दो प्लेट रखा, तीन प्लेट रखा, हमें पता है इसके अबाउट ma²/6 है ना। और जब रखते गया तो सारे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ऐड कर दिया। क्यूब के लिए कहां लगा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्यूब के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा रहे। किशोर पाटिल क्लियर? यस सर, समझ गए। अगर क्यूब के लिए लगाओगे तो देखो वो वैलिड नहीं है, तुम बता रहा हूं, मैंने कहा इसके अबाउट भी ma²/6, इसके अबाउट भी ma²/6, इसके अबाउट भी ma²/6। अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखते तो ix + iy = iz होता, ma²/6 + ma²/6 ma²/3 हो जाता है, ऐसा नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? वी आर नॉट अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर द क्यूब। लिखो बच्चों सवाल, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ma²/3 Find moment of inertia of a square plate about an axis passing through one corner and perpendicular to plane of the plate. प्रीति ने पहले ही सॉल्व करके बता दी। बच्चों अभी तुमने कहा कि सर इसके अबाउट तो हमने निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम्हें यह भी जानना जरूरी है किसके अबाउट हमें आता है, इसके अबाउट आता है, इसके अबाउट निकालना है। विच थ्योरम विल गोइंग टू हेल्प यू? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बात, क्या बात, तुम लोग तो सही में ब्रिलियंट हो, मैं बेकार में टेंशन में आ जाता हूं। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अभिराज a/√2। मैं गलत थोड़ी बोलता हूं कि तुम लोग ब्रिलियंट हो। i = icm + md², ma²/6 + 2/3 ma²/2 इसको ऐड कर दोगे तो बच्चों हो जाएगा 4 ma²/3 ma²। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 2 ma²/3 आ गया। समझा क्या ये सवाल? यस
यस सर। कितने बच्चों को रियली में नहीं समझ में आया कि सब ऊपर से निकल गया, सर आप क्या बोल रहे हो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं? दिल खोल के बोलो यार, क्या करूंगा, अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन में तो खड़ा भी करा दिया था बेंच पे। लो अभी तो ऑनलाइन में क्या करूंगा, सॉरी ऑफलाइन में खड़ा करवाया था बेंच पे। निखिल ने कहा समझा, मुझे तो टेंशन निखिल का ही था। ऋषिकेश बट गुजर, क्या ये समझ में आ गया 2m² / 3 होगा? उसने भी कहा यस सर। किशोर पाटिल ने कहा सर 100% समझा। अब अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया बच्चों कि एक क्यूब है, बच्चों एक क्यूब है, उस क्यूब का एज के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट एज के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका मास m है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एज? m² × 2/3। बहुत ही बढ़िया। जो ये वैसे ही ऐसा रहेगा, मास बढ़ते चले गए। तो बच्चों तुमने बहुत अच्छा से सीख लिया। ईशान जामरे, इज इट क्लियर? यस सर। कोई भी एज ले लोगे ऐसा ही रहेगा। इनफैक्ट क्यूबॉइड रहेगा। अगर बच्चों क्यूबॉइड हो, मान लो इसका ये लेंथ है ए और ये लेंथ है बी, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी और ये लेंथ है सी। देखते हैं बच्चों कितना बच्चा सही सही बताता है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, पहले सुन लेना। हमने इसके अबाउट निकाला ऐसे करके, फिर इसके इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। कोई बच्चा जब हम ये एक्सिस पूछे थे ना, तो कोई स्मार्टली ऐसे भी कर सकता था, देखना इसके अबाउट। सारे बच्चे ध्यान दें, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवरीवन नोज m, ये एक्सिस के अबाउट m² / 3। बच्चों इस एक्सिस के अबाउट भी कितना? m² / 3। तो ix + iy = iz। सर मैंने ऐसे किया था, समझा क्या? हाँ सर। दूसरा मेथड ऐसे भी कर ले, ये और आसान है ना? ठीक है। अब अगर मैं कह देता कि ये लेंथ है बच्चों ए और ये लेंथ हो गया सपोज बी, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है ए, तो बच्चों इस एक्सिस के अबाउट जो हो जाता है, ये एक्सिस के लिए ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ कि ये हो जाता m² / 3। ध्यान देना, ऐसे ऐसे रॉड है तो ये हो जाता m² / 3 और ये हो जाता m² / 3। इसके अबाउट कितना हो जाता? m² + b² / 3 होता क्या? अब ऐसे ऐसे प्लेट रखते चले जाओ ऐसे ऐसे, और ये हाइट सी भी होता है, तो भी क्या लिखते? टोटल मास a² + b² / 3 होता है इस एक्सिस के अबाउट सी के अलोंग। तो बच्चों मैं ये ए बोला, ये बोला और ये सी है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्यूब का? तो m² + b² / 3। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। आप सुनना बच्चों, ये डिस्टेंस ए है, ध्यान से सुनना, ये ए है और ये वाला लेंथ है बी,
अगर मैं इस एज के अलोंग पूछता, इस एज के अलोंग एम बी स्क्वायर बाय थ्री पूरे क्यूब का इस एज के अलोंग एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाय थ्री. अब यही देखना है ए बी सी में कौन कौन आएगा. एम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय थ्री. हाँ, ये बी वाला जब है, जैसे ये सी वाला लेंथ के लॉन्ग था, ये सी लेंथ के लॉन्ग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया. तो जब सी के लॉन्ग है तो क्या आ जाएगा, सॉरी बी के लॉन्ग है तो क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय थ्री. यू शुड कैच द पैटर्न. क्या अभी तक हमारे साथ साथ हो क्या बच्चों तुम लोग? यस सर. लग रहा है कि सिस्टम सब सिस्टमैटिक वे में चल रहा है चीजें. हाँ, एक के बाद एक सब जुड़ा हुआ है. यस सर. मैं फिर से आ रहा हूं उसी बात पे. ये स्क्वायर प्लेट है बच्चों, ए और ए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12 और इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 6. अब मैं बता रहा हूं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर सपोज आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट भी आई ही रहेगा, बिकॉज जैसा एक्सिस ये इस प्लेट के लिए वैसा ही एक्सिस ये है. और ये आई कितना प्रूफ किया था तुम लोगों ने? एम स्क्वायर बाय 12. एम स्क्वायर बाय. ये कैसे प्रूफ किया था यार, मैं भूल गया, कैसे किया था? एनीवन? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ने सही बताया कि सर इसके अबाउट हमने पता कर ही लिया है एम स्क्वायर बाय 6 होता है ये और ये से. और अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये और ये, तो ये और ये परपेंडिकुलर है, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू दिस, है ना? ये तो हमने प्रूफ कर ही लिया. तो आई कितना आ जाएगा? इसके बाद कुछ और भी रिजल्ट बताया था बच्चों. उसके बाद क्या बताया था? इसके बाद क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था क्लास में? एनीवन? इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12, उसके बाद क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था? ये सेंटर है, कोई तो बताइए. अभी आई प्लेन में सारे एक्सिस के अबाउट एम स्क्वायर बाय 12 होगा. कोई भी इसके प्लेन में ले लिया एक्सिस, ये भी ले लिया, तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस लो लेगो ले लोगे, ये 90 डिग्री है, तो इसका आई, तो इसका भी आई, तो इसके अबाउट भी उतना ही रहेगा. दैट मींस कंक्लूजन इज एनी एक्सिस इन दिस प्लेन वो सबके अबाउट एम स्क्वायर बाय 12 होगा. यज्ञेश, समझ में आ रही चीजें? यस सर. ठीक है, अपने एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनाओ. ड्रॉ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, अपने नोटबुक में ड्रॉ करो. रेक्टेंगुलर प्लेट ड्रॉ किया, एक का ले लो साइड ए, इसका ले लो बी.
इसके अबाउट एम ए स्क्वायर बाय 12 या एम बी स्क्वायर बाय 12? एम बी स्क्वायर बाय 12। ये ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ, समझो इस चीज को। इसके बाद ये लेंथ ए है, ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ, एम ए स्क्वायर बाय 12। व्हाट इज द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 6। बहुत ही बढ़िया, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12, ये हो जाएगा बच्चों जेड एक्सिस, ये डॉट से दिखा रहा हूं, आई जेड 12 रहेगा, 12 ना 6 क्यों 6 रहेगा ये रिजल्ट में, हाँ 12 रहेगा, सॉरी मैं राइट बच्चों, हर्षिता रंजन? यस सर। आप एक ही चीज को बार बार घुमा रहे हो, क्या पूछ रहे हो? मैंने आप पूछता हूं कि अगर सपोज ये डायगोनल लिया, रेक्टेंगुलर प्लेट का डायगोनल, इसके अबाउट अगर आई वन है, या आई डैश लिखता हूं, आई डैश इस डायगोनल के अबाउट, तो जैसा डायगोनल ये है बच्चों वैसा ही डायगोनल ये भी है, इसके बाद भी आई डैश होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। दोनों एक ही जैसे हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि डायगोनल के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सबसे पहले बताता है? What is moment of inertia about diagonal? सोच के बताओ बच्चों। बच्चों मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्या बता रहे हैं कि सर आई डैश और ये आई डैश और ये आई जेड, टू आई डैश इज इक्वल टू आई जेड, तो आई डैश हो जाएगा आई जेड बाय 2, मतलब दिस बाय 2, एम ए स्क्वायर बाय 24, ये लिख रहे हैं बच्चों तुम लोग, शायद यही बता रहे हो ना, और साक्षी ने पता नहीं 6 कहां से लिख दिया है, बट बाकी बच्चे ये कर रहे हैं। मैं एक चीज करता हूं, ये गलत, क्यों गलत है? क्यों दोनों परपेंडिकुलर नहीं? हाँ, यहाँ पे जो तुम लगा रहे हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये और ये स्क्वायर प्लेट में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता, ये 90 डिग्री, नॉट 90 डिग्री। तो कितना होगा ये तो अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि ये गलत है, ये बता रहा हूं बच्चों, ये क्या होगा मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ये जो निकाला था ये गलत है, वो निकालना इंटीग्रेशन से, वो टफ सवाल है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना। अभी हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं एक दूसरा एक डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं, सवाल के साथ डिस्कस कर रहा हूं, है ना। लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हाफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसका मास m है बच्चों, रेडियस r है, हाफ डिस्क का निकालना,
तो ऐसे सवाल में क्या टेक्निक यूज करते हैं वो देखना। मैं क्या करता हूं कि ये जो हाफ डिस्क है ना, ये आधा डिस्क समर्थ अपने घर पे लेके चला गया था, तो उससे मांग के ले आते यार दे दो एक दिन के लिए, और वो हाफ डिस्क को यहां लगा दो। तो ये बच्चों ये फुल डिस्क हो जाएगा ना, मतलब जो कटा हुआ पार्ट था उसको ला करके यहाँ पे रख दिया, तो दिस मेक्स फुल डिस्क। और ये इसका सेंटर है, सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मुझे आता है किसका, फुल डिस्क का। अब कहोगे सर इसका अगर आई है तो इसका भी आई होगा, होगा कि नहीं? Yes, के लिए जैसा ये डिस्क वैसा ही ये समर्थ वाला डिस्क, दोनों एक जैसे हैं। दिख रहा है ये डिस्क कि नहीं दिख रहा? आइडेंटिकल है। तो बच्चों मैं कहूंगा कि इसका आई तो इसका भी आई, तो आई प्लस आई ये पूरा हो जाएगा पूरे डिस्क का इसके अबाउट, तो ये तो मुझे पता है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो एम कितना हो जाएगा इस पूरे डिस्क का, दोनों का मास m और m, तो 2m इंटू रेडियस तो आ रही है आर स्क्वायर बाय टू। बच्चों यहां से क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर बाय टू, है ना? ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो i कितना हो जाएगा, m आर स्क्वायर बाय टू। इज इट क्लियर टू ऑल? इस हाफ डिस्क का मास m रेडियस r, तो इस एक्सिस के अबाउट m r स्क्वायर बाय 2। अब इतना मैंने पढ़ा दिया बच्चों, जेई मेन में सवाल आ गया कि एक क्वार्टर डिस्क है, ये क्वार्टर डिस्क है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर इसका मास है m स्क्वायर बाय 2 m r स्क्वायर बाय 2 mr square by 2। क्या बात, कैसे करोगे इसको प्रूफ करने के लिए? कर देगा तुम्हारे पापा, बोलेंगे बेटा कैसे किया, क्या करोगे? 4i = 4 mr square by 2 लिखूंगा। क्या बात है प्रीति, तू तो पढ़ना शुरू कर दिए प्रीति। इसका i तो इसका भी i, इसको भी ना डिस्क कंप्लीट कर लिया है ना, तो 4 हो गए। और बहुत अच्छा से प्रीति बहुत फास्ट बता दी, 4i इज इक्वल टू पूरे डिस्क का, पूरे डिस्क का मास 4m इनटू r स्क्वायर बाय 2, तो ये 4 4 गया। आप पैटर्न तो समझ में आ गया होगा, m r स्क्वायर बाय 2 है ना। अब मैं पूछ दूं बच्चों, चलो ये क्वार्टर वाला पूछ दिया बोर्ड में और जेई में पूछ दिया ये 60 डिग्री एंगल वाला। एक प्लेट है एक लैमिना ऐसा 60 डिग्री वाला है, अभी लिया था 90 वाला उससे पहले, इसका कितना हो जाएगा इसका मास m रेडियस r, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 ही होगा। सब लोग हमारे साथ तो क्या समझ गए बच्चों, 6i equals to 6mr square by 2। In fact अब मैं ऐसे बताता हूं बच्चों कि एक ऐसा प्लेट है जो थीटा नॉट एंगल बना रहा है, इसका मास है m, रेडियस है r, बताओ इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये एक्सिस के अबाउट इतना तो पढ़ा दिया, सीख भी गए तुम लोग, खुश भी हो गए, मुझे तो आता है। अब एग्जाम में गए और ये दे दिया कि सिग्मा इज द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट, ये थीटा नॉट एंगल बना रहा है, इसका रेडियस है आर और इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ध्यान से मेंशन कर रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है।
इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्या कहोगे सर, आपने तो पढ़ा ही दिया आई इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, लेकिन अब एम तो दिया नहीं, एम हमें निकालना पड़ेगा, एम हमें निकालना पड़ेगा, एम जो है सिग्मा के टर्म में दिया हुआ। क्या तुम्हें आता है ये? क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोग मैथ में भी स्ट्रांग हो? सॉरी मैथ में ही स्ट्रांग हो, फिजिक्स में तो हो ही नहीं। कैसे लिखें? पाई आर स्क्वायर इनटू टू पाई बाय थीटा। बहुत ही बढ़िया। सो बच्चों हमें तो चाहिए कि इसका मास लिखना है, तो सरफेस मास डेंसिटी विच इज गिवेन एंड वी नीड एरिया। एरिया कैसे लिखें? कहोगे सर अगर ये पूरा सर्किल होता है उसका तो एरिया मुझे पता है पाई आर स्क्वायर। कितना एंगल होता है? तो टू पाई एंगल होता है। तो और ये एंगल है कितना? थीटा नॉट। तो थीटा नॉट का है इतना हो जाएगा, दिस इज एरिया इंटू आर स्क्वायर बाई टू। बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि साइंस इज सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग, चीजों को एक एक करके देखते हैं। पीयूष शिंदे क्या ये चीजें समझ में आई? क्या हमने ये सीख लिया एक इस टाइप के लामिना का कैसे एरिया लिखते हैं ये भी सीख लिया? यस सर। ठीक है, चलो बच्चों ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। क्वार्टर दे दिया या कोई थीटा नॉट दे दिया, इसके बाद पूछा एम आर स्क्वायर। जेई मेन में आ सकता है डायरेक्टली। और मैं पूछता हूं बच्चों, अगर ये हमने दे दिया, ऐसे सवाल दे देंगे बच्चों ऐसा, ये प्लेट एक्सिस ये देखना ऐसे एक्सिस है, अगर तुम्हें ये निकालने आता है, ये निकालने आता है, इसका सेंटर ऑफ मास किसी को याद है? किसी को एनीवन? सर ये सॉलिड है या हॉलो है? अरे नहीं नहीं, ये एक प्लेट जो सर्कुलर प्लेट लिया, ये सर्कुलर प्लेट से ऐसे करके कट कर दिया, ये प्लेट में से, ये जो अभी तक डिस्कस कर रहे था लैम्डा, ये थीटा नॉट। कोण नहीं है, कोण नहीं है, दिस इज प्लेट, प्लेट का पार्ट है नॉट कोण। सेमी सर्कुलर प्लेट का पता है कहां होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 4r/3π। Yes. तो वहीं पे देखना है कि जब थीटा नॉट एंगल बनाता है तो कहां होता है, मैंने पढ़ाया है बहुत मन से पढ़ाया है ना, 2r/π/3 sin θ / θ/2 / θ/2। ठीक है, नोटबुक में देखना। हर्षवर्धन गलत तुमने बताया, 2r/π होता है हाफ रिंग का, हाफ रिंग का। क्या डिस्कस कर लिया बच्चों की एक हाफ डिस्क है, हाफ डिस्क पे आते हैं, और तुमने ये देखा होगा मैक्सिमम टीचर कहीं भी देखोगे तो ये बता दिया हो गया काम, लेकिन मैंने और उससे कैसे पूछे जा सकते हैं क्या सवाल होगा सब बता रहा हूँ, तब भी तुम लोग नहीं करो, इसके बाद निकाल लिया। मैं पूछता क्या हूं बच्चों, इसके बाद निकालो, इस एक्सिस के बाद, एक्सिस समझ में, हाफ डिस्क है, इस कॉर्नर से पास कर रहा, ए पॉइंट से पास कर रहा है ना, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। 3mr²/4।
अच्छा अगर साथ नहीं रहोगे तो फिर सब ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है बहुत लोगों को निकलना शुरू हो गया होगा। प्रेम दालवी 2 फीट ऊपर से ज्यादा या 1 फीट ऊपर से? समझ रहा है प्रेम दालवी ने कहा समझ रहा है, ठीक है। बच्चों इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मैं बता रहा हूं जब तक मैं कुछ ना कहने के लिए बोलूं तब तक नहीं बोलना, ठीक है। मैं बता रहा हूं मैं ना इस एक्सिस और इस एक्सिस इसके अबाउट तो मुझे पता है आईसी एक्सिस, ये आईसी कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू, ये तो निकाल लिया। जब तक ना कहूं मैं बोलने के लिए तब तक सारे बच्चे चुप रहना। मुझे इसके अबाउट निकालना इज द टू एक्सिस आर पैरेलल, कहोगे यस सर पैरेलल है। वी विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई ए इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी विल बी एम आर स्क्वायर बाय टू विच वी हैव प्रूव्ड इट। डी आर है यहाँ पे प्लस एम आर स्क्वायर, ये जोड़ दोगे आ जाएगा बच्चों 3 mr² / 2 आई ए। बच्चों ये रिजल्ट सही है, दिस इज करेक्ट, शायद प्रीति ने भी बताई। अब तुम लोग बोल सकते हो क्या मैंने सही किया है या गलत किया है? गलत किया है। अच्छा गलत किया, क्या गलत किया? वो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल रहा तो अपन वो अप्लाई कर सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास से पास करते हो एक्सिस। यस, ये जो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं उसमें ये जो होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। क्या ये हाफ प्लेट का सेंटर ऑफ मास है क्या? नो सर। नहीं, मतलब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम गलत लगाए हम, ये सही नहीं है, रिजल्ट सही है। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता था एक समय, आईआईटी स्टेटमेंट रीजनिंग सवाल पूछता था बच्चों 2008-09 के आसपास में, तो ये मैंने सवाल बनाया था। मैं पहला स्टेटमेंट लिखता था हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जो होता है आई दैट इज इक्वल टू 3 mr² / 2, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट लिखता था किसके अबाउट mr² / 2 होता है फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाला स्टेटमेंट लिखता था, आंसर आ जाता था। बच्चों इसे पूछना होता था ये कि स्टेटमेंट वन एंड टू कौन कौन सा ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और ऐसे रहता था। बच्चे मोस्टली टिक करते थे, आंसर सबको पता होता था ये, और ऐसे आ गया ये, इनफैक्ट बताता था कि हाँ सही किया, तो बच्चे पुट करते थे स्टेटमेंट वन ट्रू स्टेटमेंट टू ट्रू एंड टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और उनको मार्क्स कितने मिलते थे? -1 क्योंकि स्टेटमेंट टू ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम गलत लगाया है। तो अगर सर फिर कैसे होगा रिजल्ट सही यही कैसे है? तो बच्चों मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हें पैरेलल एक्सिस थ्योरम सही निकालना है तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहां से 4r/3π पे। बच्चों तो पहले तुम्हें ये पता है यू नीड टू फाइंड फर्स्ट हियर फ्रॉम हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट निकालो, ये निकल जाएगा इसके इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे ICM निकल जाएगा बच्चों, और फिर ICM और इसके बीच में लगाना है तो I निकल जाएगा, लेकिन ये TDS प्रोसेस है। सो हम अपना टेक्निक वो समर्थ वाला टेक्निक लगा लेते हैं, समर्थ से मांग लेते हैं फिर से हाफ डिस्क, मांग लिया ये, सिमरन बताना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट I है इसका तो इसका भी आई होगा, दिख रहा है दोनों एक ही जैसा इस एक्सिस के लिए, जैसा ये वैसा ये, और पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पिछले क्लास में बताया था पूरे डिस्क का इसके अबाउट यहां यहां के बीच में लगा करके कितना होता है 3 mr² / 2, लास्ट क्लास में बताया था। तो इसका अगर आई है तो इसका आई, तो क्या लिखेंगे बच्चों 2i = 2, पूरे डिस्क का मास है एम के जगह पे 2m हो जाएगा बच्चों, टोटल मास 2m,
ये टोटल मास होता है 3 इंटू टोटल मास इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 चला जाता है 3 मास का बाई 2 आ गया. इज इट क्लियर? यस सर. तो ये टेक्निक से हमने कहा 3 मास का बाई 2 होगा. और तुम ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा, यू कैन चेक इट. तो शायद ये ज्यादा आसान है, ये समझ में आ गया. लेकिन अब बच्चों मैंने पूछ ही दिया कि नहीं, मुझे तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हाफ डिस्क अबाउट दिस एक्सिस. सारे बच्चे लिखते जाना ये एक्सिस, ये डायग्राम में दिखा दे. एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. इज इट 3 mass square by 2? नहीं, गलत. प्रीति यहाँ पे ये फंडा नहीं लगेगा. रीजन इज कि जब ये समर्थ से हमने मांगा डिस्क का मोमेंट ऑफ ये, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सेकंड वाले का अलग हो जाएगा. तो अगर हम कहेंगे कि इसका अगर आई है तो इसका आई नहीं होगा. इसका अगर सपोज आई वन है, इसका आई टू है, तो आई वन इज नॉट इक्वल टू आई टू. पहले ये समझो, I1 is not equal to I. क्यों नहीं है इक्वल? जैसा इसके लिए ये एक्सिस है, इसके लिए वैसा नहीं है, तो डिफरेंट दिख रहा है. इसके लिए ये वाला एक्सिस वैसा है, इसके लिए इसका अलग होगा. अब अगर रियली किसको समझ में आ रहा है, मैं मुझे पता चल जाएगा. कौन बताएगा इसमें I1 I2 में कौन बड़ा है? I2 बड़ा है. क्यों बड़ा है? बिकॉज I2 में दूर दूर है. इसके लिए इस एक्सिस के अबाउट इसमें मास से नजदीक है, सो I2 विल बी ग्रेटर. समझा क्या? तो कहां से मास नजदीक है ये नहीं समझ में. अरे इस एक्सिस से. कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर ना. मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यस. तो अगर हम ये एक्सिस ले रहे हैं, ये एक्सिस, तो इस प्लेट के मास नजदीक और ये प्लेट का मास दूर दूर है ना. इसके कंपेरिजन में इसका जो सबसे ज्यादा दूर ये वाला लाइन है, इसका तो पहला लाइन यही है, उसके बाद और दूर होगा. इसके मास देखो, ये सब तो पास में है. Isn't it? Yes, sir. तो इसमें कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर हमने पूछ ही दिया कि इसके अबाउट बताओ क्या होगा, सो टेल मी क्या प्रोसेस करेंगे. मुझे इसके अबाउट पता है, इसके फाइनल तो हम नहीं लगा सकते हैं. कैन बी इसके इसके बीच में नहीं लगा सकते हैं. तो क्या करेंगे? पहले इसके और इसके बीच में निकालेंगे, इसके और इसके बीच में, और फिर इसका निकल गया, फिर इसके और इसके बीच में निकल लगाएंगे. इज इट क्लियर? यदनेश गलत आंसर है, आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे होगा. तो दिस इज योर होमवर्क. होमवर्क क्या हो गया? हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट. समझा क्या? यस सर. तो जिसको समझ में आ रहा होगा फिर उसको मजा आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा तो बहुत परेशान हो गए. कुछ बच्चे तो म्यूट करके सो भी गए होंगे. देखते हैं कौन कौन सो रहा है. यश महाजन जगे हुए है, सो रहे हो? यस सर. अरे जगा हुआ है तो चलो बताना, आंसर देना. यश महाजन बताएगा फास्ट. बच्चों एक हाफ डिस्क है, सॉरी हाफ नहीं फुल डिस्क है, इसका मास m, रेडियस r. मुझे बताओ इस एक्सिस के अबाउट. पिछले क्लास में बताया था डायमीटर के अबाउट.
कौन सबसे पहले बताता है? साक्षी सूर्यवंशी, एम आर स्क्वायर बाय फोर। क्या बात है साक्षी, एम आर स्क्वायर बाय फोर पढ़ रही है। कैसे बताया था बच्चों? इसके अबाउट आई तो इसके अबाउट भी आई, और इसके अबाउट तो हमें पता था। कुछ बच्चों को पता भी नहीं चला होगा ये क्या बता रहा है, ये एक्सिस y plus i, 2i is equal to this, तो m square by 4। अब जल्दी से बताना, अगर ये हाफ डिस्क दे दिया, ये मास m है बच्चों, और पूछ दिया जाए कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m square by 4। बहुत ये कॉन्फिडेंस दिखा है, एम आर स्क्वायर बाय फोर। कैसे बताएंगे? सारस यादव कैसे बताएंगे किसके अबाउट एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर बाय 4, ऐसे जोड़ देंगे है ना? हाँ सर। इसका आई है तो इसका भी आई होगा, क्योंकि जैसा इसके लिए है वैसा इसका भी तो वैसा ही है। अगर मैं पूछ दिया बच्चों कि चलो इसके अबाउट तो ये है, इसके अबाउट कितना है इस एक्सिस के अबाउट? सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे, इस एक्सिस के अबाउट कितना है हाफ डिस्क का? वैसा ही करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। अब बताओ जैसा प्लेट के लिए ये एक्सिस है वैसा ही तो इस प्लेट के लिए एक्सिस है, इसका अगर आई होगा तो इसका भी आई, और पूरे डिस्क का वही होता है, इसका भी बताओ लिखूं एम आर स्क्वायर बाय 4। यस सर, यस है कि नहीं? अब मुझे लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि सर नेक्स्ट क्या बताने वाले हैं। अगर एंगल थीटा भी हो तो ये थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 है ना? यस। मतलब सेंटर से लेकर के जो भी एक्सिस है, ये हो ये हो ये हो, हाफ डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 4 होगा। एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, नोट इट डाउन, लिखना है बच्चों। आगे बढ़े, बच्चों ये राइट आइसोसेलस ट्रायंगल, ट्रायंगुलर प्लेट, प्लेट मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ लोग तो आंसर देना शुरू कर दिया, मैंने एक्सिस बताया नहीं तो आंसर कैसे? अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस कैसा है बॉडी के प्लेन में, है ना? ये नाम देता हूं ए बी सी, ए बी सी, इसका मास एम है इस एक्सिस के ऊपर। तुम कहोगे सर एक काम करते हैं, मैं ना एक और ट्रायंगुलर प्लेट ना ले आता हूं कहीं से खोज के, ऐसा ही आइडेंटिकल, और इसको जोड़ दिया, तो बताओ ये पूरा सिस्टम कैसा बन जाएगा? स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट और बन जाएगा। उसका साइड लेंथ कितना होगा? ए, ए।
और मुझे पता है कि स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टोटल मास डायगोनल के अबाउट कितना होता है ये होता है डायगोनल के अबाउट। अब बताओ ये भी तो सिस्टम का डायगोनल है, अगर देखो कि इसका अगर आई है तो इसका भी आई होगा तो हो जाएगा टू आई, और इसका मास एम तो इसका भी जो मास लाया इसका भी मास एम ही होगा तो हो जाएगा टू एम। तो कैन यू टेल मी कि जो आई आने वाला है इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा बच्चों? समझा क्या? टू टू कट गया ऐसा एज यूजुअल। क्या बात समझ में आई? आई या नहीं? हाँ सर। ठीक है, एक और सवाल लेता हूं, फिर बाद में ना मैं तुम्हें ना ऐसा होमवर्क दूंगा, आइडिया बता रहा हूं बच्चों। मुझे निकालना है आई ए, मतलब एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। एम स्क्वायर बाय सिक्स, इसके अबाउट निकालना। इसके बाद भी पूछ सकते थे, पहले तो आई बी भी बता दो, उसका भी एम स्क्वायर बाय सिक्स। आई बी कितना होगा कौन बताएगा? सेवन एम स्क्वायर बाय सिक्स। एम स्क्वायर बाय सिक्स ही होगा। अच्छा ये पूरे इसका मास है, इसका मास है, इसका अगर आई बी है एक का तो दूसरे का भी आई बी रहेगा तो टोटल हो जाएगा टू आई बी, दूसरे का भी वैसा ही रहेगा, ये एक्सिस जैसा ये है वैसा ही ये है, इस एक्सिस के लिए एक्सिस कैसा है परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये पूरे प्लेट का कितना होता है इसके अबाउट याद है किसी को? स्क्वायर प्लेट का इसके बाउ नोटबुक से देख इनटू टोटल मास इनटू ए स्क्वायर, इज इट क्लियर? अब बताना आई बी कितना होगा? समझा क्या बच्चों आई बी कितना होगा? ईशान जामरे क्या सवाल क्लियर हुआ? ये सब बच्चों अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जेई एडवांस जेई मेन लेवल का ये आसान। शुभम बागी समझ में आ रहा है ये चीजें? यस सर। ठीक है बच्चों मैं अब ना पूछ रहा हूँ ये वाला एक्सेस, ये कम से कम नोट डाउन कर लो, बाद में दोबारा वीडियो भी देख लेना, आइडिया जिसमें डिस्कस कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट ए से पास कर रहा है 5m स्क्वायर बाय 3। आइडिया बताओ क्या करें इसके अबाउट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे बी और ए में, इसके बीच में ए और बी। हाँ पक्का? डंडा खोजू क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। प्रीति ए और बी के बीच में पैरेलल एक्सिस लगाए? नहीं सर, आई सी एम कहूँ तुम्हारे कि एक डंडा खोज के दीजिए तो थोड़ा दो तीन उसको, इसके बीच में नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ मास नहीं,
एक काम करो ना, मुझे ना इसको लेकर के ना स्क्वायर प्लेट बनाना है, ये एक्सिस को लेते हुए इसको स्क्वायर प्लेट बनाना है। कैसा प्लेट, कैसे जोड़े, जैसे इस केस में ऐसा जोड़ दिए थे एक, क्या एक जोड़ने से काम चलेगा या दो तीन चार जो कितना जोड़ना पड़ेगा? तीन जोड़ना पड़ेगा। तीन, एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, मतलब तीन चार, एक प्रीति से मांग लो, समर्थ से मांग लो, और ऋषभ सोनी तो गायब ही है। ऋषभ है क्या क्लास में? नहीं, देखो 35 बच्चे हो गए, सब बच्चे निकल रहे हैं। ये चार प्लेट अगर मैंने जोड़ दिया बच्चों ऐसा ही आइडेंटिकल, तीन और जोड़ दिया तो एक स्क्वायर प्लेट बन जाएगा क्या? अगर इसका आई है बच्चों तो इसका भी आई, इसका भी आई, इसका भी आई, तो कितना हो जाएगा? कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? एनीवन? एम स्क्वायर बाय सिक्स। एम स्क्वायर बाय सिक्स, बहुत बढ़िया। तो एम के जगह पे कितना हो जाएगा? 4m into a होता था साइड लेंथ बच्चों, ये जो स्क्वायर बनाया उसका साइड लेंथ a है या रूट टू ए है? ये जो स्क्वायर बनाया उसका साइड लेंथ कितना है? बना रहे हैं मिस्टेक, अगर तुमने बड़े बच्चों ने मिस्टेक कर दिया होगा, a स्क्वायर लिखोगे बट ये रूट टू ए साइड लेंथ का स्क्वायर प्लेट बना, a साइड लेंथ का नहीं। ये आई और आई फोर फोर गया, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर बाय क्या बच्चों? मजा आया इस सवाल में? दानिश, गौरव, यस सर, अश्विन, समृद्धि, हाँ तो बोल दो यार, पता चले कि तुम वहीं बैठे हो। यस सर, यस सर। तो इस समझ में आ रहा होगा कि अभी बहुत सारी चीजें हमने आज सीखा, टेक्निक सीखा, टाइम भी हो गया। एक चीज मैं बताता हूं और फिर कह दूंगा कि सारे सवाल तुम सॉल्व करो, हालांकि अभी और भी बताना है, एक बस कॉन्सेप्ट बहुत कम टाइम में बताता हूं बच्चों। हमने सेंट्रो मास में कॉन्सेप्ट यूज किया था, व्हेन सम पार्ट इज कट आउट, मान लो एक डिस्क है बच्चों और ये डिस्क है आर रेडियस का और ये यूनिफॉर्म डिस्क था और उसमें से ना एक पार्ट कट कर लिया, इतना नहीं है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस। सर वो नेगेटिव मास वाला ना, नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते, बट चूंकि मास निगेटिव में होता है तो मुझे ना बड़ा अच्छा नहीं लगता, हालांकि बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जो काट के ले जाए ना उससे मांग लो इसको और लगा दो। वी डोंट यूज निगेटिव मास, चूंकि निगेटिव मास होता नहीं, हालांकि बच्चे उसको कंफर्टेबली फील करते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, मैं तो कहता हूँ समर्थ ला के दे दो यार, यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये जो पार्ट था बच्चों, मान लो कि इसका मास सपोज m1 है, ये पार्ट का, और ये पार्ट जो मांग के लाया इसका मास हो गया m2, ला के रख दिया इसको, तो मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूं, ला के रख दिया दूसरे का ही। तो हमारा ओरिजिनल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सपोज i1 है, और जो मांग के ला के रखा है यहां पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट सपोज है i2। हमें निकालना है i1, i1 क्या करना है, निकालना है। और मुझे पता क्या है बच्चों,
ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता है। तो अगर इसका मास m1 इसका मास m2 तो बच्चों क्या आ जाएगा m1 plus m2 into r square by 2 r square by 2 i पता है मुझे i1 निकालना है i2 क्या निकालने आता है क्या yes sir i2 के लिए ये वाला जो एक्सिस है सेंटर से नहीं इससे पास करा तो इसका हो जाएगा बच्चों सर्कमफेरेंस से पास करा तो 3 बाई 2 एम और इसका रेडियस तो बच्चों आर बाई 2 हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर इसका इसके लिए तो आई 2 पता है तो आई 1 निकल जाएगा क्या मास एम 2 निकल जाएगा ये आई 1 तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने सिखा दिया कट किया तो बच्चों नाउ यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द बुकलेट्स।